जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो CISF फायरमैन एग्ज़ाम 2022, जो आप लोगों को पता है, जो 2022 का फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिजल्ट है अपडेट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। जो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, आंसर शीट आ चुकी है, तो कट ऑफ आप लोग का क्या रहने वाला है। कट ऑफ मैंने पहले भी बताया और फिर मैं एक एनालिसिस के बेस पर आप लोग को दोबारा कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग बताना चाहता हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मुझे जानकारी अभी तक की मिली है फायरमैन एग्ज़ाम की, तो कट ऑफ इसके कितने निर्धारित यानी कितना जा सकता है। ज़्यादातर बच्चों का मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, अपने टेलीग्राम माध्यम से भी किया और यूट्यूब से थोड़ा सा मैंने चीज़ें देखी कि कट ऑफ लोगों के एवरेज जो है कट ऑफ कितनी जा रही है, कितने नंबर बन रहे हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जनरल की, तो जनरल की जो एक बनी है, जो नंबर काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, वो 77 से 80 या 81 के बीच में आ रहे हैं, यानी 77 से 81 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, चार नंबर का इधर उधर का नंबर ये मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी 77 से 81 कितना हो गया, चार नंबर का। ठीक है, बाकी आप लोग के 80 नंबर हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, EWS के लिए मैं बताना चाहता हूँ 76 से 80, यानी 76 से 80 के बीच में EWS, यानी ऐसा नहीं है कि 76 से 80 गई यानी पाँच नंबर का डिफरेंट पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन 80 के अंदर EWS भी सेफ़ हैं, यानी आप लोग के 76 77 नंबर अगर बनना है तब भी आप सेफ़ हो सकते हैं। बाकी OBC की मैं बताना चाहता हूँ 74 से 79 तक, यानी 74 से 79 तक ज़्यादा बच्चों के कट ऑफ इतने जो है नंबर बन रहे हैं। ठीक है, SC की बात करता हूँ 72 से 77, यानी जो SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनकी जो है 77 तक कट ऑफ, यानी 72 से 77 के बीच में कट ऑफ ही रहने वाली है। ST की मैं बात करता हूँ 69 से 74 तक इनकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है, यानी 70 कि अब अगर आप लोग के 70 या 75 के बीच में नंबर हैं तब भी आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, यानी 69 मैंने बताया, 69 से 74, यानी पाँच नंबर का इनसे में अंतर है, तो इसी बीच में आप लोग की कट ऑफ जाएगी। यही मैंने एनालिसिस किया है, जो मैं आप लोग को बेस बता रहा हूँ। बाकी एक दो नंबर इधर हो सकता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं मैं भर्ती बोर्ड से एकदम कट ऑफ लेके आया हूँ। बाकी ये जो बच्चों का जो कट ऑफ है उसी बेस पे मैं बता रहा हूँ कि इतने ही हैं, बाकी एक दो नंबर जो बच्चे ज़्यादा हैं उनके हिसाब से कट ऑफ बनाई जाएगी। बाकी मेडिकल के जो फाइनल इसमें लिस्ट आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा, वो फाइनल ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो भर्तियाँ बचेंगी वो उसके बाद बच्चे फिर बुलाए जाएंगे कट ऑफ निकाल के, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। पिछली भर्तियाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी भर्तियाँ जो हो चुकी हैं उसमें भी सेम ऐसे प्रोसेस होता था कि मान चलिए इसमें जो है आप लोग की 1500, अब तो बढ़ गई हैं, 1500 प्लस पोस्टें हो गई हैं, पहले तो 1100 थी। ठीक, तो जो ये पोस्टें हैं बढ़ाई गई, कट ऑफ पर थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी 1500 प्लस पोस्टें हैं इन सब में जो बच्चे हैं, ठीक है, जो भी पोस्टें बढ़ी हैं फिलहाल, ठीक है, जो आप लोग देख रहे होंगे अभी, जो रिसेंटली 500 लगभग पोस्टें बढ़ गई हैं, तो ये पोस्टें जो बढ़ी हैं इसमें बच्चों की कट ऑफ तो कम जाएगी जाएगी। ठीक है, बाकी जो मैंने कट ऑफ बताई है इस बेस पे आप लोग की कट ऑफ अगर नंबर बनने हैं तो आप लोग सेफ हो सकते हैं। बाकी अगर इतने बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं तो वह भले ही मेडिकल में जाके फेल हो जाएं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैकेंसी बच जाती हैं तो उसको वैकेंसी को अगली बार निकालेंगे अलग से ऐड करके, लेकिन ये भर्ती में दोबारा कट ऑफ निकाल के नए बच्चे नहीं लिए जाएंगे। जो कट ऑफ ये रहने वाली है फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, यही फाइनल कट ऑफ मेडिकल के बाद आप लोग का सिलेक्शन दिलाएंगी। ठीक है, तो इसमें कोई मेडिकल के बाद अलग से कट ऑफ नहीं निकलेगी, जो अभी रिजल्ट निकलेगा उसी के बेस पे कट ऑफ निकलेगी, वही आप लोग का फाइनल रिजल्ट होने वाला है। यही मैं आप लोग को बताना चाहता था कि अब जो आप लोग के नंबर बनेंगे ये सेफ स्कोर के साथ ही रहेंगे, सेफ स्कोर इतना ही रहने वाला है। यही एक एनालिसिस था, मैं उस बेस पे आप लोग को बताना चाहता था। तो रिजल्ट आप लोग का कब तक आ जाएगा, रिजल्ट भी आप लोग का अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आप लोग को जैसे कोई नोटिस आती, अपडेट आती, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक की जो भी जानकारी थी मैंने उसको जो है इकट्ठा करके आप लोग को बताई कट ऑफ से। ठीक है, रिजल्ट भी आप लोग को जल्दी आ जाएगा, तो आप लोग अब परेशान बिल्कुल ना हो। जब भी रिजल्ट आएगा आप लोग की कट ऑफ लगभग इतनी रहने वाली है, कट ऑफ आप लोग को मैं बता दूंगा, फिर से नोटिस आएगी या कोई जानकारी आएगी फिर से मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। बस यही आप लोग को जानकारी देना था, आई होप आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।